विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने का सच आया सामने। बीसीसीआई अधिकारी ने बताया पूरी कहानी। विराट कोहली ने इसी साल जनवरी में टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी थी और रोहित शर्मा को तीनों प्रारूपों की कप्तानी सौंप दी गई। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, जबकि गांगुली ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने कोहली को कप्तानी छोड़ने के फैसले पर विचार करने को कहा। इसके बाद भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया और गांगुली कोहली के विवाद की खबरों ने तूल पकड़ ली। कुछ दिनों बाद हालांकि ये विवाद थम गया, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म को लेकर अभी भी लोग चर्चा में हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में उनकी जगह पक्की नहीं है।